प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को, जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में हम बात करेंगे थॉमस रॉगलैंड के मिशनरी कार्यों के बारे में। जन्म 16 अप्रैल 1815, मृत्यु 22 अक्टूबर 1858। मूल स्थान इंग्लैंड, मसीह सेवा भारत। आइए इनके सेवा कार्यों के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। थॉमस गजेटन रॉगलैंड उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से गवाही दी कि परमेश्वर की आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। जिब्राल्टर में जन्मे रॉगलैंड ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित का अध्ययन किया और बाद में ट्यूटर के रूप में कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में काम किया। कैम्ब्रिज में अपने प्रवास के दौरान रॉगलैंड इस सोच से परेशान थे कि हजारों लोग मसीह को जाने बिना मर गए थे। हालांकि उन्होंने शुरू में इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, फिर भी वह अंततः परमेश्वर के संकेत पर सेवा करने के लिए आगे बढ़े। वे 1846 में एक मिशनरी के रूप में भारत के मद्रास पहुँचे। भारत आने पर रॉगलैंड ने मौजूदा मिशनरी कार्यों को समझने के लिए पूरे तमिलनाडु का सर्वेक्षण किया और उन जगहों की पहचान की जहां पर अभी तक सुसमाचार का प्रवेश नहीं हुआ है। उन्होंने अंत में उत्तरी तिरुनेलवेली क्षेत्र की पहचान की जहाँ के लोग और परिस्थितियाँ दोनों ही दक्षिण क्षेत्र की तुलना में काफ़ी मुश्किल थे। 1854 में उन्होंने द बैंड नामक एक समूह शुरू किया जो सुसमाचार का प्रचार करते हुए एक गांव के बाद दूसरे गांव की यात्रा की। वह बैंड के सदस्य 20 दिनों तक एक गांव में व्यक्तिगत प्रचार, सड़क उपदेश और प्रार्थनाएं सभाएं निर्वाहन करते थे और फिर अगले गांव चले जाते थे। नए बपतिस्मा लेने वालों के बीच उनके अनुवर्ती काम ने हर गांव में छोटे ईसाई समूहों को स्थापित करने में मदद की। कई बार रॉगलैंड और द बैंड के सदस्यों को ग्रामीणों ने भगाया, पत्थर फेंके, उनके साथ बुरा व्यवहार किया और कभी कभी उनकी पिटाई भी की। फिर भी कुछ भी उन्हें खोए हुए लोगों से प्रेम करने से और मसीह के लिए प्रतिबद्ध बनकर रहने से रोक नहीं सका। शिवकाशी एक ऐसी जगह थी जहां ग्रामीणों ने पत्थर और लाठी से रॉगलैंड को भगाया था। उस घटना ने उन्हें उस गांव को प्रभु के लिए जीतने के लिए और भी अधिक प्रेरित किया। उन्होंने शिवकाशी के दक्षिण में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपने अंतिम दिनों तक वहां मिशनरी सेवा की। भले ही उन्होंने अपने जीवन काल में अपने श्रम का फल नहीं देखा, लेकिन उनके प्रयासों से उत्तरी तिरुनेलवेली में कई चर्चों की स्थापना हुई। प्रिय, क्या मसीह के ज्ञान के बिना मरने वाले करोड़ों लोगों का विचार आपको परेशान करता है? प्रभु मुझे सुसमाचार को साझा करने के अवसरों की अनदेखी करने के लिए क्षमा करें और मुझे खोई आत्माओं के लिए वास्तव में चिंतित होने में मदद करें। आमीन। परमेश्वर पिता सभी को आशीषित करें।